नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन फिनलैंड से रिलेटेड, हम डिस्कशन करेंगे स्पेशली वहाँ का एडमिशन प्रोसीजर क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्वेरी अभी जनरेट हो रही है। अभी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं फिनलैंड की ओर ज़्यादा तवज्जो कर रहा है, और फिनलैंड के अंदर सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं और एडमिशन्स के लिए सेलेक्टिव सीट्स हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और उनका जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसके बारे में हमारी कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। मास्टर में एडमिशन लेना, इट इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड में मास्टर में एडमिशन्स लेने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कंपेरेटिवली अगर आप बैचलर को देखते हैं एडमिशन्स के लिए। तो पहले हम बैचलर का एडमिशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैन इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है, लिमिटेड सीट्स हैं और लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेशेंस के साथ चलना है। जैन में अगर एडमिशन्स नहीं भी आ पाता तो सितंबर इनटेक में हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके एडमिशन्स के लिए। आप चाहते हैं कि मैं 100% वहाँ पर एडमिशन लूँ, मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद वी कैन सुजेस्ट कि अभी आपको एडमिशन मिलने के कितने चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैचलर वालों के लिए, बैचलर वाले स्टूडेंट्स वहाँ पर अपना एडमिशन्स बैचलर में किस वे से ले सकते हैं जिन्होंने ट्वेल्थ की है। सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन क्या आता है कि क्या फिनलैंड के अंदर मैं विदाउट IELTS अप्लाई कर सकता हूँ। 100% आप फिनलैंड के अंदर विदाउट IELTS अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्लाई कहा है, नोट ये कहा है कि आपको वहाँ पे 100% एडमिशन आ जाएगा, तो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट IELTS। तो उनके लिए उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया है एडमिशन्स के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन क्राइटेरिया किस वेज के ऊपर है, उनके इंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर हैं। दे आर कंडक्टिंग ए ऑनलाइन इंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर वो आप ऑनलाइन इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, जो आपके उसके अंदर मार्क्स आते हैं उसको कट ऑफ बनाने के बाद दे आर गिविंग द एडमिशंस। डिपेंड है उस प्रोग्राम, उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितनी इंटरनेशनल एप्लीकेशंस पड़ी हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा वो दूसरा सिस्टम है, अगर आपने SAT जिसको हम SAT कहते हैं, अगर आपने SAT किया है तो आपको इस इंट्रेंस एग्ज़ाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके जो SAT के अंदर स्कोर है उसके बेस के ऊपर आपको उन बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी मिल सकता है सेट वाले स्टूडेंट्स को, और स्कॉलरशिप ग्रांट होने के भी मैक्सिमम चांसेस हैं। दिस इज़ द अनदर वे फॉर गेटिंग द एडमिशन इन बैचलर प्रोग्राम इन फिनलैंड। तो आपको दो वे बता दिए। तो थर्ड वे क्या है, थर्ड वे ये है कि अगर आपने वहाँ पर एडमिशन लेना है तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि दे आर गिविंग द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज, आपके 10th, 12th के कितने परसेंटेज हैं, और विदाउट इंट्रेंस एग्जाम दे आर गिविंग द एडमिशन। लेकिन वो जो ऑप्शंस है बहुत फ्यू यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये तीन वे हैं फिनलैंड में एडमिशन लेने के, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं वहाँ की बैचलर डिग्री के लिए। अभी मास्टर के ऊपर आते हैं। अभी मास्टर का भी यही क्वेश्चन आता है कि क्या सर मैं मास्टर प्रोग्राम में फिनलैंड में एडमिशन ले सकता हूँ विदाउट IELTS? यस, मास्टर प्रोग्राम्स में भी विदाउट IELTS वहाँ पर आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। अभी मिलता है या नहीं मिलता उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट इसके अंदर और बता दूं, जो बैचलर की मैंने पहले डिस्कशन की है, सबसे प्लस पॉइंट फिनलैंड के अंदर क्या है, अगर आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आइदर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, आप वहां पर मेडिकल में कुछ करना चाहते हैं, यू आर एलिजिबल टू डू द एनी बैचलर डिग्री इन मेडिकल स्ट्रीम। आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं और आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वहां से, यू आर एलिजिबल टू डू द इंजीनियरिंग प्रोग्राम अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, और अभी इवन बिजनेस के स्टूडेंट हैं मेडिकल में कुछ करना चाहते हैं, इवन दैट यू कैन डू। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग में कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रीम डजंट मैटर इन फिनलैंड फॉर गेटिंग द एडमिशन इन बैचलर प्रोग्राम इन एनी स्ट्रीम। दिस इज क्लियर। मास्टर के ऊपर आते हैं। मास्टर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का, सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं, आपके बैचलर के परसेंटेज कितने हैं अगर मास्टर में एडमिशन लेना है, आपकी प्रीवियस स्टडी, आपकी बैचलर डिग्री प्रोस्पेक्टिव मास्टर डिग्री से कोरिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि अभी आपने बैचलर BBA की है और अगर वहाँ पर अभी करने के लिए क्या चाह रहे हैं इंजीनियरिंग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर BBA की है तो मैनेजमेंट टाइप के प्रोग्राम्स में, MBA टाइप के प्रोग्राम्स में यू कैन गेट द एडमिशन। अभी उसका एडमिशन क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपके बैचलर के परसेंटेज वो चेक किए जाते हैं, उसके बाद मैनी ऑफ द प्रोग्राम
जो मास्टर डिग्रीज में जिन बच्चों ने जाना है, दे आर आस्किंग द एक्सपीरियंस कि आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर प्रीवियस स्टडी या प्रोस्पेक्टिव स्टडी जो करने के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए. दिस इज डिपेंड आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से प्रोग्राम में एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं. IELTS वेव ऑफ है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वेव ऑफ है. अगर आपने की है तो दैट इज द वेटेज ऑन योर प्रोफाइल के ऊपर वेटेज मिलेंगी, लेकिन उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे. कुछ यूनिवर्सिटी GRE की डिमांड करती हैं, तो डिपेंड है कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं. विदाउट GRE भी एडमिशन्स मिलते हैं बच्चों को, बट अभी फिर डिपेंड हुआ है कि आप कौन से प्रोग्राम में, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपको GRE की रिक्वायरमेंट है या नहीं है. दिस इज़ अगेन डिपेंड आपका. इसके बाद कंप्रहेंसिव CV रिज्यूम भी देखा जाता है. तो उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ बच्चों का मास्टर के लिए भी इंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं. दिस इज डिपेंड अगेन ऑन द एडमिशन कि आप कौन से प्रोग्राम और कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अप्लाई करने के लिए जाते हैं. मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए लॉट ऑफ कंपटीशन. इंडिया मार्केट के अंदर एक प्रोग्राम है, टेलर मेड प्रोग्राम किसी ने डिजाइन किया हुआ है, एक डिप्लोमा टाइप का. उसमें मैक्सिमम बच्चों को एडमिशन करवाकर वहां पर भेजा जा रहा है फिनलैंड के अंदर. बट अगर आपका मेन मुद्दा वहां पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का है, तो प्लीज़ गेट द एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटीज़ देयर इंस्टेड ऑफ बोर्ड. टेलर मेड प्रोग्राम में एक PG प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है, उसी में सब बच्चे चले जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए देर इज़ नो एनी हार्ड क्राइटेरिया फॉर एडमिशन. तो अगर आपने फिनलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, क्राउन इमिग्रेशन के पास नंबर ऑफ ऑप्शन है. आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपका स्टडी का गैप है, आपकी बहुत सारी बैकलॉग्स हैं, इवन आप प्रीवियसली रिफ्यूज्ड है, बैन है, तो आपके केस को देखने के बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि फिनलैंड में आपका किस वे से एडमिशन और रेजिडेंसी परमिट मिल सकता है. फिनलैंड में स्टडी के क्या बेनिफिट है, इसकी नंबर ऑफ वीडियोज है मेरे चैनल के ऊपर, वहां जाकर भी देख सकते हैं. रिसेंटली हमारी 5 या 6 वीजाज अभी रिसेंटली अप्रूव्ड हुए हैं फिनलैंड की रेजिडेंसीज के, जो अभी डाले थे, विद स्पाउस थे, इवन डिपेंडेंट बच्चों के साथ थे. दिस इज अनदर प्रिविलेज. पार्ट टाइम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे. 30 आवर्स इन ए वीक आप पार्ट टाइम कर सकते हैं. 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है. ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको अनदर कंट्रीज में नहीं मिल सकते, जो फिनलैंड के अंदर आपको प्रिविलेज मिल सकेंगे. फिनलैंड से रिलेटेड मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो स्कॉलरशिप. बच्चों के इसके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर हम फिनलैंड के अंदर फ्री स्टडी या 50% स्कॉलरशिप या 20% स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं अपनी ट्यूशन फीस के ऊपर. अगर उसको भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ, हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत जल्द अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला हूं. तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.